आर्यन जी काफी अरसे बाद आए। जी आर्यन जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी नमस्ते महलेश जी। अरे मैं पांड्या जी के लिए आ गया। मैंने देखा श्रीमद् भागवत गीता पे प्रवचन हो रही है तो मैं आ प्रवचन तो कुछ नहीं हो रही थी, मगर हम ऐसी बात कर रहे थे। गया। अच्छी अच्छी बात हो रही थी, आत्मा शरीर बदल रही थी, क्या बन रही, बदल रही थी? शरीर बदल रही थी, बॉडी चेंज हो रहा नहीं, बॉडी था। बॉडी तो कुछ नहीं चेंज हो रहा। हम यहाँ पे बात कर रहे थे एक्चुअली चंद लोगों की जो बैठ के बनते हैं बड़े। नाम अच्छा खयाम की बात हो रही थी, मैं देख रहा नहीं हूँ। लो उसका, नाम नहीं लो, गाली मत दो हम नहीं लोगों की रोड पे प्लीज। नहीं मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग आज जाके बड़ा, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं सो कॉल्ड, वे जी जाके बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, जबकि कुछ दिन पहले वे हिंदुओं को गाली दे रहा था, अभी मुसलमानों को गाली दे रहा है, अभी तो क्रिश्चियन बना फिर रहा है, जीसस लवर। वो और एक हमेशा से ही जीसस लवर बन के फिरते थे, मगर हम जैसे ही कि ऐसे लोगों का नाम ना ही लें तो ज्यादा बेहतर है। चूतिया किस्म का इंसान है। उसको पता है, मैं एक बात बताऊं, उसको होना था फेमस अपने यंगर इयर्स में। उसने बनना था स्टार, अब वो बन नहीं सका स्टार, क्योंकि स्टार तो ऐसे होते नहीं ना। अब वो खुद ही कहता है कि मैं शाहरुख से बेहतर, मैं अमिताभ से बेहतर हूँ भाई। ओ भाई, तो अब वो अपने बुढ़ापे में आकर उसे आ गया है, तो इसी वजह से नंगी नंगी अपनी वीडियोस बना के नहाते हुए डाल रहा है, तो पता नहीं क्या करते हुए डाल रहा है भाई। नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। मुझे एक चीज उसमें बुरा लगता है कि उसमें एक लेडीज बैठती हैं, रिस्पेक्ट, मैं उनको एक रिस्पेक्टेड लेडी समझ रहा था, लेकिन वहां पे बैठती हैं, वहां पे बकायदे नाम लेके गाली गलौज चलती है और फिर भी वे वहां पे बैठती हैं। तो मैं देखता हूँ कि एक एक लेडीज को गाली पड़ रही है और आप जाके वहां पे उसको अप्रिशिएट कर रही है, एक तरह से बैठना क्या हो गया आपका? वो खुद देती है गाली है, वो तो खुद बोलती रहती है लकीर 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 बैठ के वहां पे, और क्या कहते हैं बस। यहाँ नहीं देखो, दैट्स देयर ओन थिंग। अगर लोगों को नहीं दिख रहा, हम क्या लोगों के दिमाग में घुस के उनको समझा थोड़ी सकते हैं। मैं थोड़ी कहती हूँ कि भाई इनके चैनल पे मत जाओ, उधर नहीं जाओ, इधर नहीं जाओ, आई डोंट केयर। जाओ आप जहाँ पे जाना है आपको, जहां पर जो आपकी इज्जत करे वहां जाओ। अगर आप गालियां खाने के शौकीन हो तो जाओ, मुझे क्या, मेरे को थोड़ी, मेरे को कोई गाली दे या कुछ भी बोले, लकीर बोले, जो भी बोले, भाई आपकी नहीं है, आप जलती हो तो मैं क्या करूँ? मैं तो नहीं कर सकती ना कुछ, मैं मेरी भी है वही बोलता हूँ, लकीर जिसके पास होता है ना बैठ वो दिखाता के ऑस्ट्रेलिया में बैठ के बातें कर रही हो आप, और फिर कहती हो पाकिस्तानियों की जहनीयत खराब है। खुद देखो नहीं। ना, खुद की जहनीयत कहाँ से आ रही है? लकीर दिखाओ, मैं नहीं। ऑनलाइन बैठ के, मैं नहीं। इंडिया में बैठी हूँ, लकीर दिखाने से मुझको कोई उठा के ना जेल में नहीं डाल देगा। और फिर आप बैठ के वहां कहती हूँ मैं सेक्युलर हूँ, मैं यूं हूँ, मैं यूं हूँ, मुझ पे अटैक ये करना। मुझे इतना बुरा लगता है कि एक लेडीज ही एक लेडीज को डिमेरिट कर रही है बैठ के। हम मर्दों पे उंगली उठती है कि क्या नाम है, आप लोग क्या नाम बहुत बुरा करते हो। एक बात जान लो, हमेशा आप ह्यूमन कॉज पे बात करती हो, ह्यूमन प्रॉब्लम पे बात करती हो, तो एक बात जान लो, किसी भी टाइम में एक औरत की बर्बादी के पीछे एक औरत का हाथ रहा है, क्योंकि ये तो एक 100% है, 100% राइट है। और मैं भी कभी मर्द, कभार हो जाता है, मेरे मुंह से कभी निकल जाता है कुछ, मगर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं औरतों पे कुछ नहीं बोलूँ। अब नहीं लोग कहते हैं तुमने कालीदासी पे बड़ा बोला था, कालीदासी को बोला था, मैंने कभी कोई गाली के लिए नहीं की। मैं पर्सनली उनसे ज्यादा जाती हूँ पर्सनली देखिए, मैं जो ट्वीट थी, मैं बहुत बहुत अच्छा मानता था, आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, आपके दोस्त हैं, मैं बहुत अच्छा मानता था, लेकिन वे ट्वीट आज तक मुझे चुभता है। उन्होंने का $1,000 कुछ कहा था कि एक या ना अपना वे दिखाएंगी तो $1,000 देंगे, तो ये मुझे बुरा लगा था ये ट्वीट, और एडमिट हाँ, करता मगर हूँ उसने वो ट्वीट वापस भी ले लिया, फिर उसने वो डिलीट भी कर दिया था वो। दिया, लेकिन अगर उन्होंने कोई गलती करे तो की गलती मान भी लेना, तो उसको फिर उतना वो देना चाहिए। मगर लोग यहाँ पे गलती करते हैं और फिर मानते भी नहीं है। अब देखो जो भी है हमारे साथ, जो भी उसने करा, चलो ठीक है, यू नो, आपके सामने अब खुल खुल के खुद पता चल रहा है कि इस ये जो मूवमेंट वहां से इंडिया से चल रही है उसमें कितनी फेक चीजें हो रही हैं, कितना फेकिज्म हो रहा है, और उनका एजेंडा क्या है उसके पीछे। अब वो आपको देखिए क्या है, आजाद जी के साथ जो हुआ, कोहराम के साथ क्या हुआ, ये सारी चीजें खुल खुल के सामने आ रही है। पॉजिटिव इमाम लेकर आए, वो भी फेक था। वो वहां जो डॉक्टर जी बैठते हैं वो भी फेक हैं। यू नो, आप फेक लोगों को ला ला कर यहाँ पे बिठा रहे हो। फेक लोग आते हैं यहाँ पर एक्स मुस्लिम बन के और मुसलमानों की बुराइयां कर रहे हो। यू नो, वी डोंट वॉन्ट दैट। जो सही एक्स मुसलमान है वो ठीक है, तो उसका वो क्वेश्चन उठाना तो लेजिट था। क्योंकि अगर आप एक, देखो, एक गंदगी में से आप निकल के दूसरी गंदगी में जा रहे हो, मेरे तो समझ में नहीं आता, मगर दैट्स योर चॉइस आई गेस।
मगर वहां बैठ के उसी को प्रमोट करना और फिर इस्लाम के अगेंस्ट बोलना, आप किसको सिखा रहे हो? आपको सिखाना है, हिंदुओं को सिखाना है इस्लाम हमने, या हमने मुसलमानों का दिमाग चेंज करना है? आपकी ऑडियंस कौन सी है? सो दैट्स ऑल दैट मैटर्स। मगर मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई अपनी गलती करके उसको मान ले तो इट्स बेटर। जी बोले। नहीं, मैं देखता हूँ कई मैटर पे आप भी कुछ ज्यादा ही दिमाग पे ले जाती हैं, उसको काफी पैनिक हो जाती हैं आप कभी कभी किसी मैटर पे। मैं इस पे यही कहूंगा, क्योंकि गीता की बात की तो उसी गीता में आता है कि जो सभी परिस्थितियों में समान व्यवहार करे वही सिद्ध योगी है। शायद इतना कठिन हिंदी समझ नहीं पा रही होंगी मैं, कैसे बोलूं इसको। आप ये कह रहे हैं कि जो सबर रखता है, जो शांति से बात करता है, वही सबसे अच्छा है, आई गेस, जो मेरी समझ में आया। योगी योग योगी सिद्ध योगी कहते हैं, योगी नहीं होता है जो संत महात्मा टाइप के होते हाँ, हैं। मगर देखिए मैं आपको एक बात बताऊं ना, आप लोगों के लिए, आप जाते हो किसी भी चैनल पे, एक बंदे से आप बात कर रहे हो, मैं यहाँ 10,000 लोगों से बात करती हूँ, तो मेरे अंदर भी पेशेंस है, वो खत्म हो जाती है कभी कभार। आई कैन टेक इट, यू नो। और हाँ, चंद चीजें देखो, आपको कोई एक दफा पोक करेगा ना, आप उसको इग्नोर कर दोगे, दूसरी दफा करेगा इग्नोर कर दोगे। जब आप सोशल मीडिया पे बैठे हो और आपको 10 दफा 100 दफा कोई प्रोवोक करेगा ना, तो आपका रिएक्शन तो आएगा ना, और लिजिट है। हमारी, मैं इंसान नहीं हूँ क्या? नहीं, आप मुझे बताइए, हम जो सोशल मीडिया पे बैठे हैं, हम इंसान नहीं है क्या? हमारी फीलिंग्स नहीं है? हमारी फैमिलीज नहीं है जो देखती है शोज? हमारे बच्चे नहीं है क्या? लाइक हम रिएक्ट नहीं करें, बाकी सब लोग रिएक्ट करते रहे नीचे लोग बैठ के, और हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम पता नहीं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज बन के बैठे और हर चीज बर्दाश्त करें लोगों की। क्या क्या नहीं बोलते तो लोग, पता नहीं क्या क्या बोलते, मगर हाँ कुछ चीजें जाके ट्रिगर कर देती हैं मुझे, और फिर मैं उस पर बोलती हूँ, दैट्स इट। ट्रिगर करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन ट्रिगर करना भी किसके लिए ट्रिगर हो रहा है अभी? एक जेन्युइन पर्सन हो उसके लिए आप क्या नाम परेशान हो कि भी उसने कुछ गलत कैसे बोल दिया तो समझ में आता है। एक पागल आदमी जो खुद मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शायद बीमार है वे तो उसके लिए आप ट्रिगर हो रही हैं। देखिए, एक चीज जो मजाक से शुरू होती है ना और फिर वो जाती है, अभी तो उसको कोई नहीं देख रहा, फॉर एग्जाम्पल उसको अगले साल तक जो है 1 लाख बंदा देख रहा है, वो बंदा तो यही सोचेगा ना कि माली जैसी है, माली वैसी है। मैं अपना नाम, मेरा नाम है यार, किसी को हक नहीं है कि मेरे नाम को इस्तेमाल करके वो फॉलोअर्स गेन करे। हम भी क्या बनाते हैं लोगों पे वीडियोस, मगर हम 4-4 महीने रोजाना रोजाना बैठ के उनकी तस्वीरें लगा के क्लाउट नहीं ले रहे होते हैं? तो एक हद होती है, कितना इग्नोर। आप लोग चाहते हो कि मैं बस बर्दाश्त ही करती हूँ, बर्दाश्त ही करती जाऊँ, बर्दाश्त नहीं, और फिर मेरी बच्ची पे बोलो, तुम किसी पे भी बोलो, कोई भी बोलो, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है भाई। हमारे, हम तो ऐसा नहीं होता, मगर वो कुछ नहीं है, वो अपना इस्लाम एक्सपोज कर रहे हैं एट द सेम टाइम, विच इज गुड। हमें तो चाहिए कि वो अपना इस्लाम को दिखाएं, क्योंकि कितना घटिया मजहब है। हाँ, हर किसी में, तो कितने लोग वीडियोस बनाते हैं, नगेंद्र पांडे बनाता है, यादव ने बनाए हैं जाकर, पता नहीं वो बैठा होता है वहां पे कॉन्शियसनेस, वो बना रहा होता है, पता नहीं कितने लोग बनाते हैं दिन में वीडियोस, आप पता नहीं कितनी देर देर बैठ के बातें कर रहे होते हैं। 4 महीने से मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब अब जाकर जो प्रॉब्लम्स हुई है ना, जहाँ मेरी बेटी को बीच में लाया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों को, मैं बताऊँ एक बात, इन लोगों को ये पता है कि मालिश को कुछ भी बोल लो ना, शी डजंट गिव अ शिट, उसको नहीं फिक्र पड़ती है। तो ये जो मर्द कहते हैं ना अपने आप को, फिर ये जाते हैं बच्चों पे, फिर ये लाते हैं बच्चों को बीच में, फैमिलियों को घसीटते हैं बीच में, ये इनकी नीच हरकत है। क्या आप बच्चों को क्यों नीचे खींच रहे हो? वो तो अपने बच्चों को तो तुम कर रही रहे हो गंदा जलील, मेरे बच्चे को क्यों खींच रहे हो बीच में? क्योंकि आपके पास कोई वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं रह गया है, आपको ये पता है कि मुझे वैसे अफेक्ट नहीं होना है, तो इसकी बच्ची को लेकर आओ बीच में। ये बहुत ही गिरे हुए घटिया लोग करते हैं। तो मैं भाई एक माँ होने के नाते मैं अपनी बेटी के लिए हमेशा खड़ी होंगी, और मैं उस पर रिएक्ट करती हूँ, और जितनी भी माएं होंगी ना, उनको समझ में आ जाएगा, बाप भी, उनको भी समझ में बिल्कुल आएगा भी कि उनके बच्चे पे जब बात की आप जाएगी तो वो बंदा वहां पे उठेगा और बोलेगा। नहीं, बिल्कुल आपको हक है उसमें, क्या नाम, कोई दो राय नहीं है। कोई भी किसी उस जो पर्सन क्या नाम बोल रहा है दूसरे की बेटी के बारे में, अगर उसकी बेटी के बारे में कोई बोले तब भी बुरा लगना चाहिए, और लगता है। मैं देखता हूँ आप उसके लिए स्टैंड करती हो, ठीक, लेकिन वे नहीं खुद ही समझ माँ बाप करेंगे पाए। यार, खुद ही माँ करेगी। बिल्कुल बिल्कुल खैर, नहीं, मैं एनीवेज, उसका वो टॉपिक मुझे यहाँ बात नहीं करनी है, क्योंकि वो टॉपिक बंद हो चुका है, तो आई डोंट रियली वांट टू टॉक अबाउट दैट पर्सन एनीमोर, ना उसकी ना दूसरे की, बात तो मैं तो हमारे आया पास था कि उसके बहुत लिए चीजें क्या टॉक आजकल करनी है। हिंदू बना कर रहा जी है मैं तो उसके लिए आया था कि उसके बारे में बात हो रही है जो हिंदू गाना फिर रहा है, जीजस ना लवर। ना ना ना, हम लोग इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे भाई।
नहीं, हम लोगों को इनमें से लोग किसी की से बात बात ही ही नहीं नहीं कर करनी रहे। है। वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट एनी ऑफ देम, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। उन लोगों को देखता कौन है, कोई देखता नहीं है। और उनके जितने अभी फॉलोअर्स बन भी गए हैं ना, ये सब मेरी वजह से बने हैं, क्योंकि मैंने इनके बारे में बात की। अगर मैं इन पे बात नहीं करती ना, तो इनको कोई टका भी नहीं देखना था किसी को। और वो जो देवी जी बैठी होती है ना, देवी को भी कोई नहीं देखता था पहले। देवी जी भी जो है ना, बस मैं क्या बोलूँ, उनको भी कोई टकेगा, कोई नहीं देखेगा देवी उनको। का दीपक तो दिमाग का दीवाला मैं निकल पसंद गया नहीं है। करूंगी देवी जी, देवी जी के देखिए लिए कितना थोड़ी इज्जत थी मेरे। प्रसाद प्रसाद चढ़ाया है मुझ पे। वो देवी अपने आप को बोलती है दीपक जी प्रसाद मेरे पे आके चढ़ा देते हैं। नहीं, देवी जी के लिए पर्सनली बोलूं तो इज्जत थी मेरे लिए। मैंने उनको खयाम की स्ट्रीम पे देखा ऐसे, या ना रिकमेंडेशन में आ गई वीडियो, तो मैंने देखा उस पे, क्या ना, मैं आपके लिए गालियां चल रही थी और वे आके बैठ के चुपचाप मौज ले रही थी। मैंने कहा ठीक है भाई। एक्चुअली हाँ में क्या है ना, वो मैंने सेक्स फेमिनिज्म फॉर देम, क्या करेंगे हम, आई डोंट केयर। बोलते रहो, मेरे को क्या है। मालिश का नाम देवी ही जी ऐसा है, का जब तक ना, मालिश का नाम लेकर तो उनको व्यूज मिलते हैं। जाके देखो ना, जिस स्ट्रीम में मेरी तस्वीर और मेरा नाम डाला है उसमें देखो ना कितने व्यूज आते हैं। और जहाँ नहीं बहुत डालते उसमें देखो कितने व्यूज आते हैं, कुछ नहीं आता। हालांकि मेरे खुद व्यूज नहीं आते आजकल, मैं तो खुद नहीं किसी को पता है कब आती हूँ लाइव। आई डोंट हैव अ स्केड्यूल, ऑन एंड ऑफ मैं आ जाती हूँ, यू नो। अच्छा, ब्यूज के पीछे जो ये सारा मतलब रोल प्ले करता, आपका नाम करता प्ले, हाँ ना, देखो नाम तो करता है ना प्ले, मैं एक ऑब्वियसली। प्लान आया है, एक माइंड बिजनेस प्लान आया है। कल मैं भी चलता हूँ, स्ट्रीम करता हूँ आपका बढ़िया से पोस्टर लगा के। चलिए करिए, स्ट्रीम का नाम है ये, महलीज एक्सपोज हो गई, महलीज का नहीं, फर्स्ट मैली पास हो गया। मैली बर्सेस नहीं, आर्यन वर्सेस मेहदी, अच्छा मैली ओ, की। ठीक, चले चले चले, ठीक है ओके। ठीक है नमस्ते आर्यन जी, थैंक यू, मैं आगे जी, दे रही हूँ, ठीक है, नमस्ते जी, ओके, नमस्ते। थैंक यू सो मच।